नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना। मैथ्स के इस सेशन में सभी बच्चों का स्वागत है। हम आज बहुत ही मजा करने वाले हैं, खेलने वाले हैं एक्चुअली नंबर्स के साथ। हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 है, फन विद गिव एंड टेक। अब इस चैप्टर में हमारी जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं वो आपको क्या सिखाने वाली हैं ये तो हम थोड़ी देर में पता करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमें इस वक्त देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 3 पर। कक्षा 3 के सभी छात्र हमारे साथ जुड़ सकते हैं और खेल सकते हैं मैथ्स के नंबर्स के साथ। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है, आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की और वो नहीं हुई, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से खोलिए हमारा यूट्यूब चैनल NCERT Official, उसके लाइव चैट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए और हम तक पहुंचा दीजिए। सिंपल सी बात है। और चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं CIET.KishoreMunch@gmail.com पर। आइए मिलते हैं हमारी एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं मिस शहनाज। स्वागत है आपका मैम। शुक्रिया। मैम हैं डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन NCERT दिल्ली से। तो आइए शुरू करते हैं ये मैथ्स के नंबर्स का खेल। मैम, फन विद गिव एंड टेक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टाइटल है, लेकिन इसमें आज बच्चे क्या सीखने वाले हैं? जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, फन विद गिव एंड टेक जी, तो इसमें हम मैथ्स के कुछ ऐसे उप विषय के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर बच्चे पहले भी काम कर चुके हैं। ओके। गिव एंड टेक यानी लेना और देना। इसमें हम आज बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। हालांकि कक्षा 3 के विद्यार्थी इससे पहले भी इन पे आधारित प्रश्नों को कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि चैप्टर के नाम में है, फन विद गिव एंड टेक यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप कर तो चुके हैं, लेकिन आज हमारी कोशिश होगी को उसको फन, उसके अंदर फन यानी और कौन कौन से मज़ेदार तरीके हैं जिनके साथ हम आज उनको करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से और मज़ेदार गेम के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जी। चलिए इन कार्ड्स को देखते हैं पहले। तन्वी जी, आपको दिख रहे होंगे कुछ कार्ड्स जी। मैम, इनके ऊपर कुछ बना हुआ भी दिख रहा होगा आपको। हाँ जी। मैं चाहूंगी बच्चे भी इस कार्ड को देखें स्क्रीन पे। मैम तब तक मैं बताती हूँ कि मुझे क्या दिख रहा जी? है। मुझे कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं। हाँ जी। जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, और मेनली जो मुझे दिख रहे हैं वो इक्वल टू का साइन दिख रहा है। इक्वल टू का साइन है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। और हमने अभी बात की कि बच्चे इस पे काम पहले भी कर चुके हैं, तो ये कुछ सिंबल हैं जो बच्चे पहले से ही रूबरू होंगे। तो यहाँ पे है, ये हमारा है माइनस यानी घटाना, ये हुआ हमारा जोड़ यानी एडिशन, और ये है हमारा इक्वल टू यानी बराबर। मैं बच्चों को भी दिखा देती हूँ। इस तरीके के कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास, अगर आप देखना चाहें तो। जैसे इस पे आपको दिख रहा होगा माइनस का साइन, और इस पे आपको दिखेगा इक्वल टू, और ये दिखेगा आपको प्लस। तो यानी हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं और हम कुछ खेलने वाले हैं। चलिए, मेरे पास ये कुछ कार्ड्स हैं सिंबल्स के साथ, लेकिन मेरे पास मुझे दिखता है कुछ कार्ड्स विदाउट सिंबल भी हैं। दिख रहे हैं? बिल्कुल ब्लैंक जी, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि हमने आज बात करनी है फन विद गिव एंड टेक। तो हम गेम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास एक ही बच्चा है, तन्वी जी। हम तन्वी से बोलते हैं कि आप हमें कोई भी एक नंबर दीजिए, 2 digit 3 digit, जो भी आपके दिमाग में आए। ओके, 1 4 5। ओके, तो हम लिख लेते हैं। तन्वी ने हमें एक नंबर दिया है 1 4 5, यानी हमारे पास एक नंबर है, 3 अंकीय संख्या है जी, 1 4 5, 145। अब मैं अगर आपसे पूछूं तन्वी जी, क्या ऐसी कोई दो संख्याएं हैं कि जिनको हम जोड़ें तो हमारे पास 145 आए? हाँ, अगर हम 100 को जोड़ेंगे 45 के साथ जी, तो बन जाएगा 145। चलिए इसको लिख देते हैं हम जी।
100 के साथ आपने बोला 45। यदि मैं आपसे पूछूं कि यही वो दो संख्याएं हैं जिनसे हम 145 बना सकते हैं? नहीं, बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि हम खेल रहे हैं और खेल में आपके तीन अंकों, तीन नंबर्स का समूह आपने हमें बताया, चलिए अब हम इनको अरेंज करते हैं जो हम बोल रहे हैं। हमने क्या बोला कि 100 और 45 को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास आ रहा है 145। तो हम इसको लिख के देखते हैं, जो हम बोल रहे हैं देखते हैं। यानी हमने यदि 100 में जोड़ा 45 तो हमारे पास कितना बन रहा है? 145। तो है ना मज़ेदार। अगर बच्चे देखें इसको तो वो पे पहचान पाएंगे कि जो हम बोल रहे हैं उसको हमें लिखना किस प्रकार है। बच्चे स्क्रीन पे देख सकते हैं, चलिए ये तो हमने तीन समूहों से बात की, क्या इसी में इन्हीं तीन संख्याओं से क्या मैं कुछ और भी बता सकती हूँ बच्चों को, या कुछ और कर सकती हूँ? या अगर मैं बोलूं कि मैं यहां से ये लगा दूं और यहां इनकी को, इनकी स्थिति को बदल दूं, तो क्या ये सही है? अभी एकदम सही है। यदि मैं बोलूं 145 में से 45 माइनस करने पे मेरे पास 100 आया तो सही है ना? बिल्कुल। यानी मैंने तो कुछ नहीं किया, नहीं। बस हमारे जो जोड़ का जो सिंबल था उसको हटाया और जो संख्याएं थी उनकी अदला बदली कर दी और बिल्कुल वैसे ही आ गया। क्या इसी प्रकार से इन्हीं तीन संख्याओं से हम कुछ और भी बना सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं। हाँ करिए। शायद नहीं। हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने देखो अभी ये किया, ये एक ऐसा क्वेश्चन था, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास सिर्फ सिंबल्स थे। जी। नंबर भी बच्चे ने दिया, उसके लिए दो और नंबर भी बच्चे ने दिए, फिर हमने जो जोड़ किया हम उसको चेक भी कर सकते हैं, जो हमने करके देखा कि यदि हम बड़ी संख्या में से किसी भी एक छोटी संख्या को माइनस करें जो दूसरी संख्या है वही हमारे पास आएगी। यदि हम, आपने अभी बोला नहीं कर सकते, क्या इस प्रकार मैं कर सकती हूँ? क्या ये अब सही है? अभी भी सही है। यानी हमें बच्चों के सामने, बच्चे ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है, ये एक छोटा सा तरीका है कि बच्चे अपने ही सवाल को किस प्रकार चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जो सवाल किया है वो सही है या गलत है। जैसा कि 145 हमें तन्वी ने उत्तर दिया था कि 100 और 45 को जोड़ने पे 145 बनेगा, यानी उन्होंने अपना दिमाग चलाया और उन्होंने बोला कि दो संख्याओं के जोड़ को हम 145 बोल सकते हैं। लेकिन उन्हीं तीन संख्याओं के समूह में जब हमने थोड़ी सी अदला बदली की तो हमें पता चला कि उन्हीं में ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका अंतर, जिनके बीच का अंतर भी उन्हीं में से एक संख्या के बीच है। यानी 45 और 100 का अंतर 145 और 100 का अंतर 45 और 145 और 45 का अंतर 100। तो इस प्रकार के कार्ड जिस प्रकार हमने बनाए हैं, बच्चे इसको खेल सकते हैं, या तो हम जैसे हमने किया बच्चों से ही नंबर लेके फिर उनसे ही उनके दो अलग अलग प्रकार के नंबर जिनका योग बन सकता है हम कर सकते हैं। यही गतिविधि हम कुछ माइनस के सम्स के साथ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अध्यापक या बड़े जो बच्चों के पढ़ाई से संबंध रखते हों, वो चाहे तो बच्चों को पहले से ही नंबरों का कुछ समूह दे सकते हैं और फिर उनसे पूछ सकते हैं कि वो इनको किस किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के परिस्थितियां आए, कि बच्चे खुद बता सकें कि इनका जोड़ इतना या इनका अंतर इतना। तो ये बहुत ही मज़ेदार खेल लग रहा है मुझे। हाँ जी। तो जैसे मैंने एक तीन अंकों का आपको एक नंबर दिया, इसी तरह अगर मैं दो नंबर्स, दो डिजिट का एक नंबर दूं या फिर चार डिजिट का कोई नंबर दूं तो भी हम ये खेल जी अच्छे से जी बिल्कुल बिल्कुल खेल सकते हैं। यहाँ पे हमने, आपने एक तीन अंकीय संख्या दी, उसके लिए हमने दो संख्याएं बनाई, एक तीन अंकीय और एक दो अंकीय।
तो यहाँ पे भी हमने दो अंकीय संख्याओं का प्रयोग किया है, और क्योंकि कक्षा तीन का बच्चा तीन अंकीय संख्याओं के साथ काम कर चुका है तो वो दो अंकीय संख्याओं के साथ भी ये गेम खेल सकता है और एक अंकीय संख्याओं के साथ भी। और इनफैक्ट जब बच्चे खेलेंगे तो हो सकता है वो खुद ही ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए कि जिसमें दो अंकीय संख्या तीन अंकीय संख्याएं दोनों हों, या एक अंकीय और दो अंकीय हों, और जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वो आगे आगे जैसे संख्याएं बढ़ेंगी तो वो इनको चार अंकीय पांच अंकीय छह अंकीय संख्याओं के साथ भी कर सकते हैं। ओके और मैम एक चीज और, जैसे आपने अभी प्लस और माइनस का सिंबल यूज किया है तो जो डिविजन और मल्टीप्लीकेशन का भी सिंबल होता है, क्या वो भी थर्ड क्लास के बच्चे सीखते हैं? हाँ सीखते हैं, और छोटे छोटे लेवल पे वो ऐसे गेम उसमें भी खेल सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए पहले तो बच्चों को जो पता है उसी से हम स्टार्ट करें जी। उसको ही आधार बनाते हुए हम अपनी जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसको शुरुआत करें। तो ये तो कुछ नॉर्मल से गेम थे जो बहुत आसानी से अध्यापक और बच्चे चाहे तो अकेले या फिर ग्रुप में खेल सकते हैं, और इस प्रकार के खेल खेलने में उनको बहुत मजा आएगा। चलिए ये तो कुछ हमने संख्याओं की बात की, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। और अक्सर हम कहते हैं कि कोई भी पढ़ाई यदि हम उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ने में सक्षम हो जाएं तो कहीं ना कहीं बच्चे उसकी ज़्यादा उपयोगिता समझते हैं और उसको अपने ही लेवल पे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पे एक चित्र होगा, हम स्टार्ट करते हैं उससे। बिल्कुल, कितनी प्यारा सा चित्र हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन जी पे। यदि मैं तन्वी आपसे पूछूं आपको क्या समझ आता है इस चित्र में? मैम मुझे नजर आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारा मजा कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चों को, हालांकि बच्चों को पढ़ाई भी पसंद होती है और उन्हें करनी भी चाहिए, लेकिन खेल में बच्चों की खास ही रुचि होती है जी। और यदि उनको हम थोड़ा सा भी मौका दें या उनको भी थोड़ा सा मौका मिले तो वो जरूर खेलना चाहते हैं, और ये तो खेल भी बहुत दिलचस्प है जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। तो अमूमन बच्चे इसको अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, घरों में उनके और बड़े लोग देखते हैं, उनके साथ भी वो इनको देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पर आधारित एक प्रश्न है हमारे पास, वो क्या है। इन अ क्रिकेट मैच श्रीलंका मेड 235 रन्स, इंडिया हैज मेड 123 रन्स, हाउ मेनी मोर रन्स डज इंडिया नीड टू विन। यानी यहाँ पे एक क्रिकेट पे आधारित एक परिस्थिति है कि दो टीम्स हैं श्रीलंका और इंडिया, जिसमें श्रीलंका पहले खेल चुकी है और उसने 235 रन बना लिए हैं। अभी इंडिया खेल रही है और उसने 123 रन बना लिए हैं। हमें ये पता करना है कि अब इंडिया को जीतने के लिए कितने रन बनाने हैं। तो इस प्रकार की जब हमने परिस्थिति बच्चे के सामने रखी, और अमूमन हमारी बुक्स में भी इस प्रकार के सवाल होते हैं, तो सबसे पहला हमारा कार्य है कि बच्चे के सामने परिस्थिति रख के हमें ये पता करना है कि बच्चा उसको कितना समझ पा रहा है। सबसे पहले उसको उस परिस्थिति की समझ बनानी है, फिर हमें देखना है कि उसमें से वो कौन कौन सी सूचनाएं हमें बता सकता है, क्या वो ये बता सकता है कि इसमें हमें क्या निकालना है, और यदि निकालना है तो किस प्रकार निकालना है। तो जैसा हमारा ये प्रश्न था, इसमें हमने देखा कि श्रीलंका ने 235 रन बना लिए हैं, तो सबसे पहला सवाल कि जीतने के लिए हमें कितने रन बनाने हैं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे हमें 235 ही रन बनाने हैं, लेकिन क्या हमें 235 ही रन बनाने हैं? नहीं। देखते हैं एक कक्षा तीन के विद्यार्थी ने हमें क्या बोला। वो बोलता है कि हमें जीतने के लिए 236 रन बनाने हैं। यानी यहाँ पे पहली चीज, बच्चे को इस चीज से पता चलेगा कि हमें जितने रन हैं और यदि हमें जीतना है तो हमें उससे एक ज्यादा रन बनाना है जी। अब ये बात हुई कि बच्चे ने ये पता निकाला कि उसे कितने रन बनाने हैं। अब दूसरी बात हमारे सामने ये आती है कि बच्चे को सूचनाएं जो भी उसको दी हुई हैं, पहली बात उसको समझा, क्या वो उसको भली भांति लिख पा रहा है, क्या उसने आइडेंटिफाई करा कि उसको क्या प्रयोग करके फाइनल आंसर लाना है। तो चलिए हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार लिखना है जी। यानी उसने 236 रन ऊपर लिखे और 123 रन नीचे लिखे। यदि तन्वी आप ध्यान से देखें तो
एक सिंबल नजर आ रहा होगा आपको इसमें, यानी माइनस, यानी यहाँ पे बच्चे ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमें जो रन निकालने हैं, जितनी जरूरत है उसके लिए हमें जिस ऑपरेशन का प्रयोग करना है वो है माइनस, यानी 236 में से हमें 123 माइनस करने हैं। आज हमने सेशन की शुरुआत में ही बोला था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच्चे पहले भी कर चुके हैं जी, तो हमारे तो हमारी कोशिश है बच्चों को नए नए तरीके बताएं, और जो आम तौर पे वो क्लासरूम में या बहुत नॉर्मल जो जो दैनिक जीवन में जो अमूमन क्लासरूम्स में उनको सिखाया जाता है उससे हट के हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं उनको सिखाने की। तो आज हम कोशिश करते हैं कि ये जो प्रश्न है इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखती हूँ मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या करना था। हमें 236 में से 123 को माइनस करना है जी। यहाँ तक बच्चे ने हमको बता दिया है। अब बच्चे अलग अलग प्रकार करेंगे और एक पद्धति का हम भी प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि क्या इन नंबरों को हम किसी और प्रकार से दिखा सकते हैं और फिर उन्हीं नंबरों को उसी प्रकार को उपयोग करते हुए क्या बिना पेन पेपर के भी हम इसको कर सकते हैं नहीं। तो सबसे पहली बात, ये जो हमारे पास नंबर है 236, अब तक बच्चे इसको पढ़ना लिखना समझ चुके होंगे, यानी 6 इकाइयाँ, 3 10 के समूह और 2 1 का समूह। उसी प्रकार 1 10 का समूह, 2 10 के 1 100 का समूह, 2 10 के समूह और 3 इकाइयाँ। तो चलिए कोशिश करते हैं। मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, अभी हमने कुछ कार्ड्स का प्रयोग किया था, अभी हम फिर से देखते हैं। यदि आप इनको ध्यान से देखें तो इस जो सर्कल के हमारे कार्ड हैं उन पे लिखा हुआ है 100, वहीं जो चार खानों के हैं उसमें लिखा हुआ है 10, और वहीं एक ट्रायंगल है जिसमें लिखा हुआ है 1। हमारे पास गेम ये है कि 100 के समूह के लिए हम प्रयोग करेंगे इस कार्ड का, और 10 के समूह के लिए हम प्रयोग करेंगे इस कार्ड का, और इकाइयों के लिए 1 इकाई के लिए हम प्रयोग करेंगे इस कार्ड का। चलिए तो हम नंबर बनाते हैं अपना 236, यानी 2 10 के समूह, 100 के समूह और 3 हैं हमारे 10 के समूह और 6 हैं हमारी इकाइयां। तो जल्दी से बना लेते हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये तो हमारे पास नंबर बन गया हमारा 236। लेकिन इतने बनाने हैं और इतने नंबर वो बना चुका है, तो यानी हमें कम करना है। जो निकालते हैं, 100 का समूह गया हमारा, 2 10 के समूह गए और इकाइयां कितनी गई तन्वी जी? 3। तो अब हम बता सकते हैं, अब तो आप भी बता सकते हैं कितने 100 के समूह बचे हमारे? 1 और 10 का 1 और इकाइयां भी 3। 3 तो यानी बहुत आसान है, हमें कितने रन और बनाने हैं? 1, 1 और 3, यानी 113। तो है ना मज़ेदार। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम पेन पेपर से करें, हमारे पास छोटे छोटे कार्ड्स हैं और ये एक परिस्थिति थी, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग नंबर हैं, तो हम इन कार्ड्स का प्रयोग उनमें कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे हमारे पास कौन सा प्रश्न है। ये भी प्रश्न एक ऐसी गतिविधि पर आधारित है जो बच्चों को करना पसंद है, यानी कपड़ों की खरीदारी। बच्चों को बहुत पसंद होता है उन्हें मार्केट ले जाया जाए और उनकी पसंद के उनको कपड़े दिलाए जाएं। तो ऐसे ही एक बच्ची है खुशबू, वो मार्केट गई तो उसने एक शर्ट खरीदी 125 रुपये की और एक ट्राउज़र खरीदा 165 रुपये का। अब हमने पूछा है कि हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर। यहाँ पर हमें बच्चे हमें कोशिश करनी है कि बच्चा हमें बताए कि हमें इन दो संख्याओं को जोड़ना है, या हमें बच्चा ये बताए कि यदि उसने दो अलग अलग वस्तुओं को ख़रीदा है और हमें ये पता निकालना है कि टोटल स्पेंड उसने कितना किया, तो यहाँ पे हमें एडिशन करना है। इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा कि कहीं ना कहीं घटाने पे हमारे पास आंसर आ रहा था, तो यहाँ पे हमें जोड़ने पे आएगा। चलिए इसको भी करते हैं। इस प्रकार जी, यानी 165 और 125। तो जल्दी से इसको नंबर को भी बना लेते हैं हम जी, यानी 165 यानी 6 10 के समूह जी, 4 5
छः और पांच इकाइयाँ, तो इसको भी बना लेते हैं जल्दी से, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा नंबर भी बनाते हैं, 1, 2, 10 के समूह और 5 इकाइयाँ। यानी 165 और 125। अब यहाँ पे हम इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। यदि 5 इकाइयाँ और 5 इकाइयाँ मिली तो हमें पता ही ये बन गई 10 इकाइयाँ। अब यहाँ पे इस प्रश्न में हमें बच्चे की इस समझ को भी चेक करना है कि क्या उसको इकाई और दहाई में समझ है। अभी हमने बोला 1 10 का समूह, 1 10 का समूह यानी 10 इकाइयाँ। यदि हम इनको जोड़ें तो हमारे पास तो ये 10 इकाइयाँ हो गई, और 10 इकाइयाँ लिखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2-डिजिट नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें बच्चे को ऐसी परिस्थिति, बच्चे के सामने ऐसी परिस्थिति रखनी है और हमें देखना है कि बच्चा उसका आंसर कैसे देता है। यदि इन 10 इकाइयों को मैं जोड़ूँ तो हमें पता है ये किसके बराबर है, 1 10 के समूह के बराबर। यानी इन 10 इकाइयों को अगर मैंने जोड़ लिया तो अब ये इकाइयाँ इकट्ठी हो गई, और ये इकाइयाँ इकट्ठी होकर बन गई हैं 1 10 का समूह। लेकिन 10 के समूह की संख्या तो यहाँ पर है। अब यहाँ पर बच्चे के सामने थोड़ी सी सोचने के लिए उसको प्रेरित करना है हमें, और यहाँ पर बच्चे को हम बच्चा हमें बताएगा कि ये जब 10 का समूह हो गया तो ये तो यहाँ चला गया। अब बच्चे को ये बताना है जब यहाँ की सारी इकाइयाँ इकट्ठी होके यहाँ चली गई तो यहाँ क्या बचा। तो बच्चे की तरफ से हमें कोशिश करनी है कि वो ये उत्तर दे कि जब कुछ नहीं तो वो हो जाता है 0। यानी यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 0। अब हम 10 की इकाइयों को गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी 9 हमारे पास 10 के समूह कितने हो गए, 9, और 100 के समूह तो हमारे पास थे ही 2। तो यानी हमें, अब हमने देखा इस प्रश्न में महज एडिशन ही नहीं है, यहाँ पे बच्चों की इकाई और दहाई की समझ कितनी है हमने वो भी चेक किया। जब भी हम बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं तो अक्सर कोई भी उपविषय उससे पहले पढ़ाए हुए 1 या 2 उपविषयों को अपने अंदर सम्मिलित करे हुए होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ यहीं तक सीमित होगा, नहीं। जैसा कि हमने इस प्रश्न में देखा, बच्चे को इसकी समझ होनी चाहिए कि यदि 10 या 10 से ज़्यादा इकाइयाँ हो जाती हैं जोड़ने पे, तो उसको किस प्रकार से किसी भी प्रश्न में जोड़ा जाता है। चलिए हम आगे एक और प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या है। बच्चों को स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा और एक पिक्चर भी दिख रही होगी जी, जिसमें है हमारा कछुआ। जब आम तौर पे जब हम बच्चों के सामने कुछ इस प्रकार के चित्र रखते हैं तो बच्चे प्रश्न और जो परिस्थिति हम बोलना चाहते हैं उससे पहले वो उस चित्र या उस परिस्थिति से जुड़ी अपनी ऑब्जर्वेशन हमारे साथ शेयर करते हैं जी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चों की उस बातों को भी सुने कि उसने ये चीज़ कहाँ देखी, क्या देखा। तो इस प्रश्न में हमारे पास है कि 2 कछुए हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, एक मम्मी है और एक उनका बच्चा है। तो हमें प्रश्न में बताया गया है कि जो मदर है वो 150 उम्र की है और जो बच्चा है वो 33 उम्र का है। तो हमें ये बताना है कि हाउ मच यंगर इज़ बेबी टॉर्टॉइस देन मम्मी टॉर्टॉइस, यानी जो बच्चा है वो मदर से कितना छोटा है। तो आप बच्चे बैठे हैं घर पे, आप भी हमें बताइए कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए। यदि तन्वी मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या समझ आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? मैम मुझे लगता है कि जो मम्मी टॉर्टॉइस की एज है जो कि 150 है, उसमें से अगर हम बेबी टॉर्टॉइस की जो एज है जो कि 33 है, 33 है, उसे हम माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो होगा हमारा डिफरेंस। यस, तो इसी प्रकार हमें बच्चों को भी कोशिश करनी है कि वो अपने शब्दों में इस ऐसी परिस्थितियों को समझाएं और हमें बताएं कि हमें, अब यदि वो बोलते हैं हमें ये करना है तो कोशिश करें हम ये जानने की कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं।
और यदि अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो हमें तब भी कोशिश करनी है कि कुछ उनको इस तरीके से सवाल पूछें कि वो हमें अपने ही शब्दों में या अपने ही माध्यम से उस तक पहुंच जाएं। यदि हम इस प्रश्न को देखें तो हमें 150 में से 33 को माइनस करना है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यदि हम माइनस करें, एक तो हम बच्चों से बोलते हैं हमेशा कि आप हम हमेशा इकाई से माइनस करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम यहाँ से माइनस करने की कोशिश करते हैं। एक में से तो कुछ भी नहीं जा रहा तो बचा वन, पांच में से तीन गया तो दो। लेकिन यहाँ पे तो समस्या है, हमारे पास इकाई तो एक भी नहीं है लेकिन हमें निकालनी तीन इकाई है जी। तो यहाँ पे तो बच्चा फंस गया। तो ऐसी ही परिस्थिति से बचने के लिए हम बच्चों को बोलते हैं कि हमेशा हमें इकाई से ही माइनस या शुरू जो भी सवाल करना है वो इकाई से ही स्टार्ट करना चाहिए। चलिए हम नंबर बनाते हैं अपना फटाफट। एक, और ये हुई हमारी पांच दस के समूह जी। यहाँ पे तो कुछ नहीं और अभी हमने बोला जब कुछ नहीं तो शून्य जी। जी, अब हम ये नंबर बनाते हैं। यहाँ पे हमारी इकाइयां हैं तीन तीन और हमारे दस के समूह भी हैं तीन तीन। अब परेशानी है कि हमारे पास इकाई एक भी नहीं है लेकिन हमें तीन इकाई निकालनी है। तो यहाँ पे जैसा हमने अभी पिछले सवाल में किया था कि इकाई और दहाई के जो रिलेशन होता है उस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं जो जिन पे हम वर्क कर रहे हैं, तो हम बच्चे की उसी समझ को आधार बनाते हुए आगे चलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में बच्चा आपको शायद बता ही दे कि हम यहाँ से एक कैरी लेते हैं जी। तो यानी यदि हम यहाँ से एक दस का समूह लेंगे तो यहाँ पे बचेंगे चार, और अभी हमने बताया एक दस का समूह यानी कितनी इकाइयाँ तन्वी जी? दस। दस, तो जब ये एक का समूह यहाँ आएगा तो ये समूह में नहीं रहेगा, ये बिखर के दस इकाइयों में बन जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और दस। अब हम अपने इसको हटाते हैं नंबर को, और हम क्योंकि हमें घटाना है, घटाने के लिए हमें चीज़ें कम करनी होती है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितनी आ गई? दस। हालांकि बच्चा इस मेथड को करना जानता है, आज हम उसको सिखा रहे हैं कि कुछ और तरीकों से वो इसको कैसे कर सकता है। ये यहाँ से चार जब यहाँ पे आता है तो शून्य की जगह पे दस ही क्यों होता है? क्योंकि ये दस का समूह है जो अपने अंदर दस का एक समूह है जो अपने अंदर दस अलग अलग इकाइयों को लिए होता है। अब हमें क्या करना है, दस में से तीन इकाइयां हमारी जाएंगी, ये हमने हटा दी क्योंकि हमारे पास चार बचा था, चार में से हमारे तीन समूह भी चले गए जी। अब हमारे पास जो नंबर बचा वही हमारा उत्तर है। तो बच्चे भी इस प्रकार के टोकन बना के घर में कोशिश कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को करने की, क्योंकि आज हमारी कोशिश थी कि हम अलग अलग प्रकार से करें और जो बच्चे सीख चुके हैं उसको और मज़ेदार तरीक़ों से किस प्रकार करें। चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। देखिए मैम, तो ये नंबर्स के साथ हमें खेलने में तो बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन हमारे पास और समय नहीं है, हमें ये कार्यक्रम यही वही खत्म करना होगा। लेकिन क्यों ना हम बच्चों को एक होमवर्क दे दें, इतने सारे प्रश्न जितने हमने सॉल्व किए, एक आखिरी प्रश्न हम बच्चों को दे देते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो खुद सॉल्व करें और फिर हमें जवाब भेजें जी। तो हम बच्चों को कुछ ऐसे प्रश्न देते हैं जी, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हर गाड़ी के डिब्बे पे कुछ नंबर है और कुछ मिसिंग है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है, बच्चे को इनमें रिलेशन खुद निकालना है, वो देखेगा संख्याएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं। बच्चे की ये समझ बन चुकी होती है कि यदि संख्याएं बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, और घट रही हैं तो कुछ ना कुछ उनमें घटाया जा रहा है। तो बच्चे इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे को हमेशा प्रश्न ही दें और वो उनका उत्तर ही हमें दें। हमें कोशिश ये भी करनी है कि हम बच्चे के सामने कुछ परिस्थितियाँ रख दें, क्या बच्चा इस चीज़ में सक्षम है कि वो उनसे हमें कुछ क्वेश्चन बना के दे रहा है। यदि मैं तन्वी आपसे बोलूं कि मेरे पास दो चॉकलेट और पांच चॉकलेट हैं, तो क्या आप मुझे कुछ प्रश्न बना सकती हैं इस पे? अगर मेरे पास दो चॉकलेट है और पांच चॉकलेट है तो मेरे पास टोटल कितनी चॉकलेट्स होंगी? जी बिल्कुल, यदि मैं बोलूं आपके पास दो टॉफ़ी हैं और 20 चॉकलेट्स हैं, तो इस पे कोई प्रश्न बना सकते हैं आप?
था कि मेरे पास खाने का टोटल कितना मटेरियल है, या अगर मैं 5 चॉकलेट किसी अपने दोस्त को दे दूं तो मेरे पास कितनी चॉकलेट रह जाएंगी। जी, लेकिन इसमें हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि टॉफ़ी और चॉकलेट दोनों ही हमारे पास थे, तो हम पूछ सकते हैं कि इसमें चॉकलेट्स टॉफ़ी से कितनी ज़्यादा है। हाँ। या इसमें टॉफ़ी चॉकलेट से कितनी कम है। बिल्कुल, यदि मैं इतनी चॉकलेट्स खा लेता हूँ तो मेरे पास कितनी टॉफ़ी और चॉकलेट्स बचेंगी, यदि मैं कुछ टॉफ़ी और कुछ चॉकलेट्स खा लेता हूँ तब मेरे पास कितनी कितनी चीज़ें बचेंगी। तो यहीं पे हम बच्चों का दिमाग टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने हमारे इस आज के कार्यक्रम में क्या सीखा। तो जल्दी से बच्चों, ये जो मिसिंग नंबर्स वाला मैम ने आपको होमवर्क दिया है, इसे सॉल्व कीजिए और हमें अपने जवाब भेजिए cieet.kishoremanch@gmail.com पर। मुझे मैथ्स के नंबर सॉल्व करने में बहुत मज़ा आया, अगर आपको भी आया तो आप भी बताइए। देखते रहिए हमारे साथ ये कार्यक्रम, हमारे पास और भी बहुत सारे सेशंस हैं बहुत सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स पर, इसलिए आप सबको कहीं नहीं जाना है। पहले मैम को ज़रा हम थैंक यू बोलें। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बच्चों को सच में फन वाली फीलिंग दी। थैंक यू। आप सभी का भी शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो थोड़ी देर में हम वापस आने वाले हैं इंग्लिश के एक सेशन में, जिसमें हम बातचीत करेंगे हमारे एक चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है नीना एंड द बेबी स्पैरोज। सो लेट्स सी व्हाट दिस लेसन, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट। स्टे विद अस एंड स्टे हेल्दी, स्टे स्माइली ऑलवेज। नमस्ते।